गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय अम्बे। आज मैं कक्षा 7 में दूसरा चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन दूसरा चैप्टर में पढ़ने से पहले उसमें एक शब्द जो ये है यार। यार का मतलब क्या है? याद का मतलब है किसी को याद करना, किसी का स्मरण करना। तो इस कार्य में याद शब्द का उल्लेख हो रहा है। याद का मतलब है किसी का स्मरण करना। तो हम जब घर से बाहर जाते हैं तो हमें किसकी याद आती है? तो हम जब घर से बाहर जाते हैं तो हमें हमारे घर की भी याद आती है, हमारे मम्मी और पापा की भी याद आती है, हमें हमारे छोटे छोटे भैया और बहन की याद आती है, हमारे दादा दादी की याद आती है, सबकी याद हमें सताती है। और दूसरी याद किसकी आती है? तो दूसरी याद जब हम संकट में होते हैं तब हमें ईश्वर की याद आती है। तो ये जो याद है, याद शब्द, वो बहुत ही गहरा शब्द है। याद के बिना कुछ नहीं। तो हमें ऐसी ही काव्य आज पढ़नी है। मैं आज आपको ऐसी ही काव्य पढ़ने वाली हूँ जिसका टाइटल है याद तुम्हारी आती है। तो यहाँ पे ये जो काव्य है इसमें ईश्वर के प्रति भाव प्रकट हुआ है कि हम जो जो चीजें देखते हैं उसमें वो चीजें देखकर हमें किसकी याद आती है? तो वो चीजें देखकर हमें ईश्वर की याद आती है। हम जब बाहर जाते हैं घूमने के लिए तो ये जो प्रकृति के जो पेड़ है, जो ये लीली लीली घास है, तो इसे देखकर हमें किसकी याद आती है? हमें ईश्वर की याद आती है। तो ये काव्य पढ़ने से पहले मैं एक काव्य अवश्य गाना चाहूंगी। तो आपको भी एक काव्य ध्यान से सुनना है और उसका जो राग है उसको सीखना है। तो जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलिया जब चम चम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में बने बागों में जब हरियाली लहराती है, हे जग के सृजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है, हे जग तब याद तुम्हारी आती है। तो दोस्तों ये है हमारा काव्य का राग। तो आपको भी इसी तरह इस काव्य को गाने का प्रयत्न करना है। काव्य पढ़ने से पहले मैं आपको कवि का थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी कि इस काव्य के कवि कौन है।
बात हुई। उसका जन्म कब हुआ था? तो उसका जन्म 4 मार्च 1889 में उसका जन्म हुआ था। और उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में कोइरीपुर गांव में उसका जन्म हुआ था। उसकी प्रख्यात कृतियां हैं जो है स्वप्न, मानसी, पथिक और मिलन। 4 उसके प्रख्यात कृति हैं। उसका नाम है मानसी, पथिक, स्वप्न और मिलन। तो स्वप्न नाम की जो कृति है वो बहुत ही फेमस कृति है और उस कृति के लिए उसको हिंदुस्तान अकादमी का अवार्ड भी उसको मिला है। और उसका निधन कब हुआ? तो उसका निधन हुआ 16 जनवरी 1992 में उसका निधन हुआ। इस काव्य में ईश्वर के प्रति भाव प्रकट हुआ है। जब हम बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाते हैं, जब हम सुबह उठते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? तो जब हम सुबह उठते हैं तब हमें ईश्वर का नजारा देखने को मिलता है। जब हम सुबह उठते हैं तो चिड़िया अपने आवाज में गीत गाने लगती है, ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है और प्रकृति में चारों ओर बदलाव देखने को हमें मिलता है। तो हम जब सुबह उठते हैं तो हम ये सब देखते ही हमें ईश्वर की याद आती है कि ईश्वर ने ये सब कितना अच्छा सृजन किया है जो आज हमें देखने को मिला। तो जब कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, जब हम सुबह उठते हैं तब ये छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हैं उसके ऊपर भी फूल खिलने लगते हैं और ये फूल चारों ओर अपनी सुगंध फैलाने लगते हैं। तो ये सब किसकी रचना है? ये सब ईश्वर की ही रचना है। तो ये सब चीजों को देखकर हमें किसकी याद आती है? हमें ईश्वर की याद आती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आडोद लगाती है, जब ये जो फूल है वो खिलते हैं तो इसके अंदर से हमें सुगंध चारों ओर फैलने लगती है। तो ये भी उसको देखकर हमें किसकी याद आती है? ईश्वर की याद आती है। जब हम सुबह उठते हैं तब चिड़िया अपने आवाज में गीत गाने लगती है, फूल खिलने लगते हैं, उसकी अंदर सुगंध आती है वो चारों ओर फैलने लगती है और ठंडी ठंडी हवा चारों ओर लहराने लगती है। तो ये सब अनुभूति हमें कब होती है? सुबह जब हम उठते हैं तब। तो हमें किसकी याद आती है? ईश्वर की याद आती है। हर चीजों में हमें किसकी याद आती है? ईश्वर की याद आती है। हे जग के सृजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के, जब यानी कि दुनिया, जग मतलब दुनिया। तो हे जग के, हे दुनिया के सृजनहार, हे प्रभु, ये जब मैं देखता हूँ, ये जब मैं महसूस करता हूँ तब मुझे तुम्हारी याद आती है। जब छमछम बूंदे गिरती है, छमछम बूंदे गिरती है, छमछम मतलब पानी, जब बारिश होती है तब पानी गिरता है तो उसकी कैसी आवाज आती है? छमछम आवाज आती है। तो जब बारिश होती है तब बूंदे कैसे गिरती है? छमछम नीचे गिरते हैं। मैदानों में वन बागों में, जो ये बाहर मैदान है, बाग है, उसमें जो हरियाली है कैसी हो जाती है? नीली नीली हो जाती है। तो मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब बारिश होती है तब चारों ओर प्रकृति
प्रकृति में बदलाव होने लगता है और चारों ओर नीला नीला देखने को मिलता है, जैसे कि धरती माता ने नीले रंग की चादर पहनी हो ऐसा हमें भास होता है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती धोकर लाती है, जब बारिश होती है तब चारों ओर अंधेरा हो जाता है, बिजली कड़कने लगती है और जोर जोर से बारिश होती है, तो ऐसे में पवन ठंडी ठंडी हवा चारों ओर फैलने लगती है, तो ऐसा भास जब होता है, ऐसा जब हमें महसूस होता है, तब हमें किसकी याद आती है, तब हमें ईश्वर की याद आती है। जब भी हम कुछ नया देखें तो हम तब भी हमें किसकी याद आती है, ईश्वर की याद आती है। तो ये सब किसकी रचना है, ये सब ईश्वर की ही रचना है। तो इस काव्य में किसके प्रति भाव प्रकट हुआ है, ईश्वर के प्रति भाव प्रकट हुआ है। जो ये छोटी छोटी चिड़िया है, छोटे छोटे फूल पौधे और ये ईश्वर ने जो भी कुछ बनाया है, तो इसमें हमें किसकी याद आती है, ईश्वर की याद आती है। तो दोस्तों इस काव्य में हमें ईश्वर के प्रति भाव प्रकट हुआ है और ये बहुत ही अच्छी काव्य है। हम जब सुबह उठते हैं तब हमें जो जो नजारा देखने को मिलता है तो वो किसका है, ईश्वर का ही है, ईश्वर का दर्शन हो रहा है हमें। तो ये जो प्रकृति में बदलाव आते हैं वो किसकी कृपा से आते हैं, ईश्वर की कृपा से ही आते हैं। तो इस काव्य में हमें ईश्वर के प्रति भाव प्रकट हुआ है और जो भी हम कुछ देखते हैं तो उसको देखकर हमें किसकी याद आती है, ईश्वर की याद आती है। थैंक यू।